नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर लिस्ट को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द लिस्ट। लिस्ट इज व्हाट इट इज, जस्ट काइंड ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा के यूज करके, ठीक है। और जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती हैं। लिस्ट जो होती है वो हेटेरोजीनियस वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, ठीक है। किसी भी टाइप की वैल्यूज को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। पाइथन लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि आप अगर किसी भी आइटम को लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम में से किसी भी आइटम को आप अगर अपडेट करना चाहते हैं, आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है, ठीक है। और ये एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ये एक टाइप का, जैसे आपने एक लिस्ट बनाई है जिसका लिस्ट का नाम है ए, और इसके अंदर आपने ये फाइव टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इंटीजर टाइप हो गया और ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो एक लिस्ट के अंदर हम हेटेरोजीनियस वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, और ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में काम करते हैं, जैसे आपका एरे काम करता है, यानी कि जीरो इंडेक्स से आप आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। और इसके इंडेक्स में भी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये आइटम आपके स्टार्ट होते हैं तो 1 0 इंडेक्स पे आता है, 3 4 2 आपका 1 इंडेक्स पे आता है, इसी तरीके से ये 2, ये 3 और ये 4। अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स करूं, अगर मैं ए -1 करूंगा तो मुझे यहां फेडोरा मिलेगा, यानी कि -1 आपका हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, यानी कि फेडोरा -1 पे आएगा, इंडिया -2 पर, ये आपका -3, देन 3 4 2 -4 एंड दिस इज 1 -5। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो सीक्वेंस में काम करते हैं तो आप किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि A0 अगर मैं लिखता हूँ और इसे प्रिंट कराता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स पर आपका 1 यहाँ अवेलेबल है। कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है। आपको करना क्या है, लिस्ट का नेम लिखना है, इक्वल लगा के आपको यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। अभी जो लिस्ट क्रिएट हो रही है ये एक एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि जिसके अंदर अभी तक कोई भी आइटम ऐड नहीं किया गया है। अगर आपको आइटम के साथ अगर लिस्ट को क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप लिस्ट का नेम लिखें, इक्वल लगा के आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को पास कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 3 वैल्यूज मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, तो उन वैल्यूज को आप यहाँ बाद में जाके एक्सेस कर भी सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं आपकी। आगे चलते हैं। अगर आपको स्लाइसिंग करनी हो तो स्लाइसिंग करना यहाँ बहुत आसान काम है, यानी कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिस्ट नेम स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये बाय डिफॉल्ट इसका सिंटैक्स है। इसका मतलब 1 से लेके 3 तक की जो वैल्यूज होंगी उनको ये प्रिंट करेगा, 1 4 तक की जो वैल्यूज होंगी ये उनको प्रिंट करेगा, लास्ट वैल्यू को ये स्किप हमेशा कर देता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर सिंटैक्स का यूज करके इस तरीके से लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वो काम भी आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि 1 से लेके 13 तक की वैल्यू मैंने लिस्ट यहाँ पास की हुई है, कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस तरीके से स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1, ये 0 1 है आपका, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 13 तक चलेगा, 13 तक लास्ट आइटम आपका जो है वहां तक चलेगा आपका, और 3 का ये स्टेप, 3 स्टेप ये लेगा। यानी कि ऐसा नहीं है स्लाइसिंग जो होगी वो 3 स्टेप होगी। तो 3 स्टेप स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद ये 3 की स्लाइसिंग लेगा, तो आप देखें 1 2 3, तो ये 5 को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 को प्रिंट करने के बाद अब ये 8 प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3, तो यानी कि 8 को प्रिंट करेगा। इसी तरीके से 11 पे जाएंगे आप, तो ये 11 पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 2 3, तो ये 11 को प्रिंट करेगा, यानी कि 3 3 की स्लाइसिंग करके आपको आउटपुट यहाँ जनरेट करेगा। इसके बाद जो कीवर्ड आता है, यानी कि जो अगर आपको कोई भी लिस्ट में से आइटम को डिलीट करना हो तो वो काम भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं यूजिंग द डेल कीवर्ड, ठीक है। तो डेल कीवर्ड में क्या होता है कि आप लिस्ट में से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बनाई CW टीम के नाम से, जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पास कर दी। ये वैल्यूज आपकी यहाँ आ रही हैं, इन वैल्यूज में से अगर यहाँ आप चाहते हैं कि जैसे मैं इस कमांड को फायर करता हूँ यूजिंग DEL कमांड, ठीक है, ये आपने कमांड लिखी, तो इस कमांड का मतलब क्या हुआ कि 0 इंडेक्स पर जो आइटम है वो आपका यहाँ पर रिमूव हो जाए। तो यानी कि 0 आइटम पर कौन सा आ रहा है आपका, ये हल्क आ रहा है, तो ये आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जब इस स्ट्रिंग को आप प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर हल्क नहीं मिलेगा, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो ये आउटपुट मिलेगा, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका डिलीट करने के लिए होता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए काफी सारे मुझे लेक्चर्स बनाने होंगे, शॉर्ट वीडियोज मुझे यहाँ बनाने होंगे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगा। अब ये मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा कि पाइथन के अंदर हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो भी मैं यहाँ कोड करता हूँ वो कोड मेरे मेरी खुद की वेबसाइट yogesh.net.com
पर मेरा अवेलेबल होता है, तो अगर आपको वहाँ से कोड को देखना हो या मेरे नोट्स को देखना हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ जो वीडियोज़ बना के दिखाने वाला हूँ, आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं पाइथन को एक बेसिक लेवल पे पाइथन को नहीं रखना चाहता हूँ, मैं मशीन लर्निंग तक इसे लेके जाऊँगा, डेटा एनालिसिस के अंदर तक लेके जाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।